हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, चैप्टर चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स। आइए देखते हैं जो अगला टॉपिक था हमारा, वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली देखने के लिए एक वेसल ले लीजिए आप। हमने वर्टिकली देखा था कि वर्टिकल लेवल में कैसे बढ़ता है प्रेशर एक्स, ओके, डाउन बॉटम जाने पर। अब यहां पर एक इमेजिनरी सिलेंडर, आप पानी का इमेजिनरी सिलेंडर आप सपोज कर लीजिए, ओके, यस। वेरिएशन ऑफ प्रेशर हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। ये जो हमारे पास फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, ओके। अब यदि बात की जाए तो यहां पर एक प्रेशर लगेगा, इस पर इनवर्ट लगेगा क्योंकि वाटर है बाहर की तरफ, तो इनवर्ट प्रेशर कितना लगेगा, देखिए ओके। तो हमने यहां का प्रेशर एरिया ए है, तो इधर का फोर्स एज्यूम कर लिया हमने कितना, पी वन इंटू ए, ओके, बिकॉज वी नो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। एंड यहां का फोर्स हमने कितना एज्यूम कर लिया, दैट इज इक्वल टू पी टू इंटू ए। तो दो फोर्स हमने कंसिडर कर लिए यहां पर, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। अब यहां पर नेट एक्सलेशन जीरो दिया हुआ है, और नेट एक्सलेशन कभी भी जीरो होता है तो राइट वर्ड फोर्स और लेफ्ट वर्ड फोर्स टोटल इक्वल होते हैं। means P1 A equals to P2 into A, A and A will cancel out and you will have finally P1 equals to P2। मतलब कि अगर आप horizontally variation करेंगे किसी भी cylinder में या किसी भी layer के across या किसी भी line के across, तो आपका pressure variation बिल्कुल नहीं आएगा, pressure आपका एकदम same रहेगा। तो इसको elaborate यदि करके देखा जाए थोड़ा सा, तो क्या बात सामने आ रही हमारी कि यदि आपके पास एक vessel है और आप उस vessel में perfectly horizontal line में different different point पर move कर रहे हैं, तो इन हर पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम। तो प्रेशर इज पी वन इक्वल टू पी टू इक्वल टू पी थ्री बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। बट याद रखिएगा कि ये कंडीशन तभी तक पॉसिबल है जब तक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटेड है। आप कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, सॉरी जीरो एक्सेलेरेशन की फ्रेम में बैठ के यदि ये लिक्विड मूव नहीं कर रहा है तो, ओके, बिकॉज हमने क्या लिया था, एक्सेलेरेशन इक्वल टू जीरो। अगर ये लिक्विड मूव करेगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, बट फिलहाल लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, माफ कीजिए गलती हो गई, एक्सेलरेशन जीरो है यहां पे। तो एक्सेलरेशन जीरो है, इस वजह से ये सिचुएशन आ रही है कि पी वन इक्वल टू पी टू दैट इज इक्वल टू पी ऑफ एन, मतलब एंथ पॉइंट का भी जो प्रेशर है वो उस सेम लेवल पे सेम बना हुआ है, नो चेंज इन प्रेशर, ओके। मीन्स हॉरिजॉन्टली प्रेशर इज सेम एट ईच पॉइंट इन ए नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, ओके। तो ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूड बोलना बहुत जरूरी है बिकॉज फ्लूड का वर्ड यहां पे एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉन एक्सेलरेटेड जैसे नहीं बोलते हैं, बुक्स में ये नहीं लिखा रहता नॉन एक्सेलरेटेड, तो कंप्लीटली उसको सही नहीं बोला जा सकता। बट यदि फ्लूड अपना नॉन एक्सेलरेटेड होगा तो इसमें प्रेशर हर पॉइंट पर सेम होगा, ओके। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों फटाफट। ये हमारे पास एक दो अलग अलग तरीके के कंटेनर्स बने हुए हैं, हमें यहां पर प्रेशर पी वन है और एच हाइट पे बॉटम पे ये रखा हुआ है। एच हाइट पे आप जानते हैं पी टू कितना होगा, पी टू इक्वल टू पी वन प्लस रो जी एच वन। नाउ अब थोड़ा सा कंटेनर हमने चेंज कर दिया है, इस टाइप का बना दिया है, दिस इज पी वन, प्रेशर यहां पे है, देन इसके बाद यहां पे नीचे आ गया है और यहां पे प्रेशर आ गया है। आपको पता है यहां पे प्रेशर कितना होगा, इस बार भी सेम आंसर आएगा, पी वन पी टू इज इक्वल टू पी वन प्लस रो जी एच। इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है, आप यहां पर छोटा सा एक सिलेंडर ले लीजिए, ओके, इसकी हाइट आप ले लो h1, इसकी हाइट आपने कितनी ली h1, तो जस्ट प्रूव कि यहां पर कितना होगा प्रेशर यहां पर, और इसके जस्ट बाद आप ये थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ले लो यहां पे, ओके, और फिर एक और वर्टिकल सिलेंडर आप यहां पे ले लो, ऐसा कुछ। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या करने जा रहा हूं मैं। यहां पर प्रेशर पी वन है तो यहां पर कितना होगा, पी वन प्लस रो जी एच वन, एंड देन यहां पर क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल लेवल में कोई प्रेशर चेंज नहीं होता है, तो इफ दिस इज पी वन प्लस रोजी एच वन, देन यहां पे भी कितना होगा, पी वन प्लस रोजी एच वन, और यहां पे इसमें फिर ऐड हो जाएगा तो नया प्रेशर कितना आएगा, पी टू इक्वल्स टू पी वन प्लस रो जी एच वन जो ऊपर था प्लस रो जी एच टू, तो रो एंड जी कॉमन ले लीजिए, पी वन प्लस रो जी कॉमन ले लो, कितना आएगा एच वन प्लस एच टू, तो टोटल कितना जाएगा हमारे पास, पी वन प्लस रो जी एच। तो क्लियर हुआ कि मतलब केवल हाइट पर प्रेशर डिपेंड करता है, जो आपका वेसल का शेप है उससे कोई मतलब नहीं है,
आप फाइनल पॉइंट पर प्रेशर आपका हाइट पर डिपेंड करेगा, और अगर हाइट वेसल्स की सेम है तो आंसर आपका वही आने वाला है जो पहले था, मतलब केवल हाइट पी वन प्लस रोजी है।